क्योंकि कोई ना कोई मरघट तो बीच रास्ते में पड़ता ही था और मरघट में भूत तो रहता ही है, तो भूत प्रेत डराते ही रहते थे, सांप के डर होते थे, भेड़िया की बातें सुनते ही थे। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसे यदि आप याद रखेंगे तो वो हर मुश्किल हर भय का हल बनेगी। यदि आपके पास कोई ऐसी कहानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। आइए शुरू करते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हनुमान चालीसा सभी को भयमुक्त करने के लिए है। हमें बचपन में ही हनुमान जी की भक्ति, समर्पण, त्याग की बातें बताई गई थी और सबसे अधिक जो हमारे मतलब की बात थी वह थी कि हनुमान बाबा का नाम लेने से ही भूत प्रेत का भय नहीं रहता। अक्सर बच्चे डरते ही रहते हैं, जरा सा अंधेरा हुआ, शाम हुई, कृत्रिम रोशनी, बिजली तो होती ही नहीं थी। उस समय हम लोग शाम के बाद डर कर कोल्हू पर इर्क पिलवाने जाते समय रास्ते में डरते थे, क्योंकि कोई ना कोई मरघट तो बीच रास्ते में पड़ता ही था और मरघट में भूत तो रहता ही है। कभी बेल ले जाते थे जोट के लिए, कभी गुड़ ढोते थे सर पर छबड़ा भरकर, तो भूत प्रेत डराते ही रहते थे, सांप के डर होते थे, भेड़िया की बातें सुनते ही थे और कुत्तों की भी भौं से अभ्यस्त थे। इन सब संकटों से बचाने वाले एक ही भगवान थे और वो थे वीर हनुमान। इन सब भयों से आजादी मुक्ति बस हनुमान जी ही दिलवाते थे। रात में बुरे सपने न आए, रात में डर न लगे, इसलिए हनुमान जी को याद करते थे सोते समय। यही अकेला इलाज था। अगर फिर भी कोई बीमार हो जाता था तो किसी ब्रह्मचारी साधु से भभूति रगड़वा लेते थे सर पर और सभी ठीक हो जाते थे दो चार दिन में। कुछ हमारे साथी जो कमजोर और कम इम्यूनिटी वाले होते थे एक एक कर अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। जो बचते थे वो बचते ही बचते थे, बहुत से बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते थे। इसमें भी बाबा हनुमान सबकी शक्ति बढ़ाते थे तभी बच पाते थे। सबका काम बाबा हनुमान का नाम लेकर ही होता था। ब्रह्मचारियों के प्यारे हनुमान जी और उस उम्र में सब ब्रह्मचारी ही थे। अक्सर 80-90% हिंदू बच्चों को हनुमान चालीसा कंठस्थ ही था, क्योंकि रामायण, रामलीला, रासलीला खूब होती थी, धर्मकाज होते ही थे, सुंदरकांड तो शनिवार को अक्सर हो जाता था। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है जो बुलंद आवाज में गाने से भय को भयग्रस्त करती है। यह है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दिन ज्ञान की माता। देखा आपने, यही तो है हनुमान जी। जब भी आप किसी भी भय को भयग्रस्त करना चाहते हो तो कहीं से भी कोई भी चौपाई बोल दो, आप भयमुक्त होने लगोगे और आपके मनोरथ को सिद्ध कर देगी। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।